हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो गाइज, अभी मैं आई हूँ किचन खाना खाने के लिए और मम्मी ने बहुत ही टेस्टी खाना बनाया, मतलब मेरा फेवरेट खाना बनाया है। चलिए देखा। मम्मी ने बनाया है गाजर मटर की सब्जी और साथ ही में दाल और फल का, तो इसे मैं खा लेती हूँ कि मेरा फेवरेट सब्जी है। पालक कौन मेरे को भाता है, थोड़ा पालक कौन दे दो मम्मी। ठंडा मत देना, गर्म करके देना थोड़े, क्या ठीक है। पालक कौन की सब्जी मम्मी मेरे को दे दो। मम्मी पालक कौन आप बनाया, मेरे को बताया नहीं। वाह मम्मी, क्या मस्त लग रहा है ये पालक कौन का सब्जी भी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट। मामा आएगा ना मम्मी, कितने बजे आएगा? 12 बजे तक मेरे मामा आएंगे आज खाने पे, तो मम्मी ने इनवाइट किया खाने पे। क्या मस्त खाना बनाया मम्मी, जिंदगी स्वर्ग में पहुंच गया, बहुत ही गजब का बनाई है मम्मी। सो गाइस, मेरे मामा आ चुके हैं, देखिए कैसे देख रहे हैं, और मम्मी के चेहरे पे हंसी देखिए मामा के आते ही है। तो गाइस, मेरा ये जो कड़ा था वो मामा के घर पे छूट गया था, नानी के घर पे, और मामा आज लेकर आ गए हैं। थैंक यू सो मच इतना ढूंढ के लेके आने के लिए। और मामा का कहना है कि वो ये मेरे कड़ा का मामा दो कर लिए है, पर ये बात झूठ है क्योंकि मामा का हाथ का साइज बड़ा है और मेरा छोटा है। झूठे, इसे पहन लेती हूँ, ये मेरा लकी कड़ा है पता है मामा, इसको फिर पहन लेते हैं, फिर लक चमक जाएगा। सो गाइस, मेरी बहन है ना कपड़ा सुखाने के लिए छत पर आई है, ऊपर छत पे तनी लगा हुआ है देखो, क्योंकि ऊपर में भी कचड़ा हुआ हुआ है और यहाँ पे देखो नीचे वाला छत तो पूरा भरा हुआ है, इसलिए वो नीचे छत पे नहीं कर सकती थी, कपड़ा यहाँ पे सूखने का जगह ही नहीं था, तो इसीलिए वो ऊपर आ गई है। सो गाइज, मैं आ गई हूँ छत पे क्योंकि मुझे बनाना है रील्स और पापा काम पे गए हुए थे, मेरे को पापा के साथ बनाना था, तो दोपहर हो गया और अब पापा आ चुके हैं और मैंने टॉप वेयर कर लिया है। ये न्यू मैंने टॉप ऑर्डर किया था जो कि क्रॉप टॉप है, बहुत ही स्मार्ट सा टॉप है, मतलब ब्लू कलर कुछ यूनिक था इसमें, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर से, येल्लो ब्लैक सब कलर थे, लेकिन मेरे पास ये कलर का टॉप नहीं था तो मैंने ये वाला ऑर्डर किया था। देखो कितना प्यारा लग रहा है, साथ ही में ये क्रॉप टॉप है तो और बहुत सुंदर लग रहा है, तो मैंने सोचा है कि इसके और भी कलर्स मंगा लूँ क्योंकि ये कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो चलिए पापा को बुला लेती हूँ और रील्स बना लेती हूँ। सो गाइज, मैं अभी सिखा रही हूँ पापा मम्मी को रील्स बनाना, तो देखो क्या करना है। पापा मम्मी इधर आओ, मम्मी इधर आओ, पापा आप इधर आना, तो हम लोग पहले ऐसे ऐसे कमर पे हाथ रखना है, ठीक है, फिर ऐसे करना है, देखो बेंड होना, फिर ऐसे 1 2 3 4, ठीक है, फिर ऐसे घूमना है 1 2 3 4, ठीक है, फिर मूंछ दिखाना, देखो मूंछ दिखाए, फिर ऐसे सामे, ठीक है, फिर ऐसे कमर 1 2 3 4, ठीक है, रेडी, अब स्टार्ट करें गाना के साथ, ठीक है, हम गाना गाएंगे कॉपीराइट लग जाएगा, ठीक है, इसलिए हम गा रहे हैं सामे ननामे रसामे सनन सामे सनन सामे सनन सामे सनन सामे सनन सामे सनन सामे, चलो हो गया डन। तो ये हम लोग अभी बनाएंगे, ठीक है, सुबह से यार अगर मन नहीं तो एक काम करो, हाथ हटा लो, ठीक है, हाथ हटाने का तो मन है ना, फेस तो दिखा सकती हो भाई, अच्छी है, अच्छा लग रहा है यार, देख हम भी तो अच्छे का बात नहीं, हम गंदे अच्छी लग रही हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आओ तो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, प्यारे लगने से मतलब तुम प्यारी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, कैमरा में इतना मत छुपा कर। तो गाइज अभी मैं, मेरी बहन और मम्मी खेलने वाले हैं अंताक्षरी, क्योंकि हम लोग बोर हो रहे थे तो सोचे हम लोग गेट टुगेदर करके अंताक्षरी खेले। तो पहले कौन गाएगा, मम्मी गाएगी, मां से गा मम्मी, मैया ये सोदा चुप रह गाने दे, आगे मम्मी गाओ, मम्मी फिर से 1 2 3 स्टार्ट, मैया ये सोदा तोड़ने आगे। मम्मी आगे गाना ना नहीं आता तू हमको, ठीक है, ये तेरा कन्हैया पंगट पे तेरे पकड़े हैं भैया, तंग मुझे करता है संग मेरे लड़ता है, राम जी की कृपा से मैं बची, राम जी की कृपा से, सर से मेरी बहन गाएगी, गार्ड ऑफिसर से शायद मेरी मम्मी का इसीलिए मम्मी ने मेरी चाय पे बुलाया है। ये गाना गा के मम्मी मेरा अब दिल छू गया है यार, चलो ठीक है, अब शायद क्या है लास्ट में क्या है, ह है ना, तो टॉफी ह से गाइए, टॉफी ह से गाओ,
एक कमरे में बंद हो चाबी खो जाए। ओ जाए ये ना काफी ऐसे गाओ। नहीं तुम गाओ। नहीं एक दो तीन सात आठ नौ दस तेरे घर गिन गिन के मम्मी आई बाबर आपका गाना सुन के गिर गई। ठीक है मम्मी कहाँ खत्म किया जैसे? इतना अच्छा गाना गा रही मम्मी की बहन लोटपोट हो गई गिर जा। कहाँ मम्मी लास्ट कहाँ खत्म हुआ? लास्ट कहाँ खत्म हुआ मम्मी? इंतजार र से। ये अब र से मेरी बहन गाएगी मम्मी फिर पीछे से क्या बनेगी बनेगी एकदम। अरे यार मम्मी गाने नहीं दे रही सबको। देख राम गाएगी तो तुम गाओगी फिर। ठीक है र से। रात को आऊंगा मैं तुझे ले जाऊंगा मैं फिल्म दिखाऊंगा मैं चोरी से आना चुपके से जाना फिर मुझे से शादी करूंगी। अच्छी नहीं दिल लगी बोल गई। ग से। गोरी एक कलाइया पहना दे मुझे हरी हरी चूड़िया अपना बना ले मुझे बाल माँ। गोरी एक कलाइया कैसे से? या या आया है कौन गाएगा? राम जी। यहाँ राम जी की वाह वाह राम जी। नहीं मम्मी गाओ मम्मी गाओ प्लीज मम्मी। याद आ रही है मेरी जान जा बुढ़िया लग रहा है बुढ़िया वाली चश्मा मेरे पे कूल लग रहा है। आप कोई गाएगा नहीं क्या? नहीं हो गया इतना हंसा दिया मम्मी पेट दुखने लग गया यार इतना अच्छा गाना गाया ना कि टॉफी बेहोश हो गई मम्मी। ठीक है जा मैगी बना के ला जा। मैगी हो तो ना मैगी मैगी क्या करती हो मैगी पे क्यों मरती हो क्या आप लोग? एक बात मुझे बतला दे तू मैगी पे क्यों यू मरती हो पैसा पैसा क्यों करती हो पैसे पे क्यों मरती हो। आज का अंताक्षरी यही खत्म होता है। चश्मा ले लिए अपना। तो गाइस मम्मी अभी करके दिखाएगी जो मेरी बहन बहुत चिढ़ती है जिस चीज से। चलो मम्मी करके दिखाओ कैसे करता है। मम्मी अच्छे से नहीं किया फिर से। प्यारी है लाडू है सोना है मुन्ना है मम्मी मम्मी धक्का दे दो। माँ का प्यार कभी झूठा नहीं हो सकता। माँ का प्यार कभी झूठा नहीं होता समझी ना। समझ गई समझ गई ना। टॉफी अच्छा एक बात बताओ मम्मी किससे ज्यादा प्यार करती है? तुमसे करती है। नहीं ये बात हम दोनों से प्यार करती है सबसे ज्यादा। नहीं नहीं तुम आज खुलासा कर दी मेरी बहन मम्मी मेरे से ज्यादा प्यार करती है। मम्मी अब तो सच में गिरा दिया। अरे यार मम्मी बक गया बैठ गया मेरे को लगा आप मजाक कर रहे हैं। नहीं हम तो नहीं उठाएंगे। हमको लगा आप मजाक कर रहे लेकिन आप सच में गिरा दिया मम्मी इसको। कितना भी लग जाता पता है मेरे को? नहीं लगता लगने नहीं देते। चक्कू पड़ा मम्मी को बेवकूफ मत बोल। चक्कू पड़ा चक्कू पेट में चल जाता जेल में डाल जेल जाना पड़ जाता मम्मी। तो बहुत तेज लगा मेरे पता कमर में चल बाम लगाते चल। सच में गिरा दिया मम्मी आप सच में गिर गए तो ऐसे गिरे जाते बैलेंस संभालो बैलेंस संभालो। तो गाइस अभी मैं नीचे गई थी पुचका वगैरह खाने के लिए लेकिन मम्मी ने बोला कि मम्मी को भूख लग रहा है तो मम्मी के लिए मैं बहुत ही टेस्टी सा चीज लेके आई हूँ वो भी एक नहीं दो दो चीज लेके आई हूँ दिखा दो। पहले तो मम्मी के लिए मैं पिज्जा लेके आई हूँ क्योंकि मम्मी को पिज्जा बहुत ज्यादा पसंद है। मम्मी पुचका वगैरह नहीं खाती पाव भाजी नहीं खाती लेकिन पिज्जा था हम सब ये सब मम्मी खा लेती है क्या मम्मी? मम्मी को लेकिन फैंटा पसंद है फैंटा था नहीं मम्मी इसलिए कोक लेना पड़ेगा। ठीक है और आपका जो पिज्जा है वो कॉर्न चीज ब्रस्ट है कुछ कॉर्न वाला बात है वही है।
और साथ में हम आपके लिए एक और चीज लाए हैं। टन 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 आपका बहुत ही फेवरेट चीज है ये, बताओ क्या है? तिलकुट है। खा के बताओ कैसे है? पता मम्मी हम पता दुकानदार के सामने खोल कर खाए कि सॉफ्ट है कि नहीं, क्योंकि कोई कोई खराब दे देता है, पर सॉफ्ट था। अच्छा है ना, हम पूरा टेस्ट करके लेके आए, वरना दुकानदार को रिटर्न कर देते हैं। अच्छा है ना, तो मम्मी को तिलकुट बहुत पसंद है। मैं हल्दीराम से लेके आई थी तो वो रेड कलर का था, है ना मम्मी? रेड था ना शायद? अच्छा वो शायद मम्मी गुड़ का था ना, तो मम्मी को पसंद नहीं आया, तो मम्मी को ये चीनी वाला ज्यादा पसंद है। तो अच्छा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। आपका गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। चलो पिज्जा भी खा लो, पिज्जा अभी खा लो आप। और ये तेल टॉफी मंगाई थी, देखो बादाम तेल बोल रही थी लाने के लिए। अच्छा वाला है ना, वो बोल रही थी मेरे को लाने के लिए, वो तो मिल गया इसलिए, वरना आज सब बंद था मेरे को लगा, लेकिन मिल गया। मम्मी खा रही है पिज्जा, मम्मी का फेवरेट कॉर्न चीज ब्रस्ट पिज्जा। अरे एक्चुअली हम ब्रस्ट इसलिए लेके आए, एकदम ठंड का टाइम, एकदम चीज निकलेगा, एकदम मजा आ जाएगा। डैंग डाण डाण डाण। और एक मैं खा ली हूँ। और एक नंदी को देते हैं, मम्मी एक टॉफी को देते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर जरूर करना।